सो गाइस, आज की इस वीडियो में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, मैं हूं अजमेर और आप देख रहे हैं एमी सोना यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम आप लोगों को बताने वाला हूं, देख लीजिए मेरे पास एक सैमसंग का कीपैड फ़ोन आपको दिख रहा है। ये फ़ोन में मैं अभी आप लोगों को जो है ये चार्ज में लगाते थे, चार्ज नहीं होता है, ठीक है, चार्ज नॉट वर्किंग है। चार्ज में हम जब भी लगाते थे चार्ज नहीं शो होता है, चार्ज बैटरी नहीं होता है। तो चलिए मैं इस फ़ोन को रिपेयरिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। देख लीजिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ, यहाँ पर चार्जिंग केबल मैंने लगा दिया है फ़ोन पर, लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है। हमारा फ़ोन नॉर्मल तरीके से जैसे का वैसे ही है, लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो गाइस, वीडियो के अंत तक जरूर देखना, वीडियो में बहुत ही मज़ा आने वाला है और वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि हर भाई का हाथ में कोई ना कोई फ़ोन मोबाइल से रहता है जो कि इसी तरह का प्रॉब्लम आता रहता है। तो चलिए मैं आज आप लोगों जो है सैमसंग का B310E मॉडल नंबर है, जो कि मैं इसको अभी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। इसका मॉडल नंबर भी आपको अच्छी तरीके से भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मॉडल को पहले हम ओपन कर लेते हैं इसी प्रकार, और मैं आप लोगों को रिपेयरिंग करके दिखाने वाला हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम है वो। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और अगर आपको मन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट जरूर करें। और अगर आपको किसी भी चीज़ का होलसेल रेट अगर प्राइस जानकारी लेना हो, जैसे रिंगर, स्पीकर, माइक, डिस्प्ले, टच, उसके बाद बॉडी, बैटरी, मेमोरी, कुछ भी आपको अगर होलसेल रेट अगर आपको मतलब जानकारी लेना हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। और देख लीजिए गाइस, यहाँ पर मैं भी आपको यहाँ पर मॉडल नंबर दिखाने की कोशिश जरूर करूँगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन होने दीजिए, देख लीजिए गाइस, मॉडल नंबर है, देख लीजिए B310E सैमसंग का ये फ़ोन है, कीपैड फ़ोन, ठीक है। और इसमें जो है हमारा चार्ज नहीं ले रहा है, जब हम चार्ज में लगाते तो वो चार्ज नहीं होता है, यानी चार्ज नॉट वर्किंग, चार्ज का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता है उसमें, ठीक है। तो गाइस, वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए नॉलेज वाला वीडियो है, बहुत ही नॉलेज वाला वीडियो है। अब इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं, अगर आपके पास घर में से सामान है ठीक करने का तो आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को वो भी बताने वाला हूँ, जो कि इसमें जो चार्ज पिन जो हमें भी नया लगाने वाला हूँ, इसमें चार्जिंग सॉकेट जो है वो नया लगाने वाला हूँ। और उसका प्राइस भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसका होल सेल रेट कितना रुपया है और दुकानदार आपसे कितने रुपए लेते हैं। अगर आपका मोबाइल में से प्रॉब्लम आता है नोट चार्जिंग का, जब भी आप चार्ज में लगाते हो तो आप कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, चार्ज नहीं लेता है मोबाइल। और अगर आप उस मोबाइल का आप शॉप ले जाते हैं तो वहाँ पर कुछ पैसा आपको पे करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा 100 या 150 रुपये आपको वहाँ पर पे करना पड़ता है। लेकिन मैं आज आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ, और आपका जो पिन जो चार्जिंग सॉकेट जो है वो कितना रुपये का प्राइस है, जो कि दुकानदार हमसे कितना रुपये लेता है, वो होल सेल रेट और प्राइस भी मैं आप लोगों का भी बताने वाला हूँ यार। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करना अपने दोस्तों के साथ भी। और इसी तरह का मोबाइल से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साथ में घंटा वाला बटन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम इसी तरह का ही मोबाइल से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए डेली लेकर आता रहता हूँ, जो कि मोबाइल से रिलेटेड है, ठीक है। और आपके पास कोई सा भी फ़ोन हो, टच वाला है या कोई भी 4G मोबाइल हो, कुछ भी हो, और उसी फ़ोन का अंदर का कोई पार्ट्स आपका ख़राब हो चुका है, तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका मैं होल सेल रेट जो है प्राइस आपको बताने की जरूर कोशिश करूँगा, ठीक है गाइस। तो चलिए मैं अभी आपको वीडियो स्टार्ट करके करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर चार्जर हमारा प्रॉब्लम है जो वो मैं भी रिपेयरिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। तो देख लीजिए गाइस, कुछ इसी प्रकार से मैंने मोबाइल को खोल लिया हूँ, और खोल लेने के बाद जो है देख लीजिए गाइस, कुछ इसी प्रकार से जो है मोबाइल फ़ोन को खोल लेना है। खोल लेने के बाद ये जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं गाइस, ये डिस्प्ले को आपको खोल लेना है, यानी पलटा लेना है आपको। पलटाने के बाद कुछ इसी प्रकार से आपको रबर बैंड लगा लेना है, जिसके मैं अभी आप लोगों को लगा के दिखाने वाला हूँ। तो देख लीजिए, कुछ इसी प्रकार से आपको रबर बैंड लगा लेना है, रबर टेक लगा लेना है आपको डिस्प्ले को पलटा करके। और डिस्प्ले पलटाने का मकसद यही है गाइस कि जब हम हीट मारेंगे तो मतलब हमारा डिस्प्ले जो है वो ना जले, और कोई मतलब स्क्रैच नहीं आए, मतलब स्क्रैच आ जाता है बहुत सारे डिस्प्ले में अगर ऐसे आप नहीं करते हैं तो। अगर आप ऐसे ही कर लेते हैं तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका डिस्प्ले सेफ रहेगा, और आपका जो पत्ते हैं वो कम कटने के चांसेस रहेंगे, और आपका डिस्प्ले जो है अच्छा मतलब ठीक ठाक होकर रहेगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, मैं भी आप लोग चार्जिंग सॉकेट जो है अभी हम आप लोगों को निकाल के दिखाने वाला हूँ PCB बोर्ड से। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। देख लीजिए गाइस, कुछ इसी प्रकार से आपको लगा लेना है चार्ज। और यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप वीडियो में, एक मैंने बैटरी ऊपर रख लिया हूँ इसलिए कि मोबाइल हिले नहीं, हमारे PCB जो काम करते वक्त हिले नहीं। अगर आप हीट मारते हैं, अगर आपका PCB बोर्ड हिलता है तो कुछ पार्ट्स जो है इधर उधर खुलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है।
तो हिट मारने से ये होता है अगर कि हमारा पर्स जो ढील हो जाता है शोल्डर, उससे उसमें गल जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर पेस्ट लगा लेना है चार्जिंग सॉकेट पर और ऊपर से हीट लगा के उसको निकाल लेना है। ठीक है, चलिए हम नीचे से हीट लगा रहा हूँ, नीचे से हीट लगा कर मैं अभी आप लोगों को चार्जिंग जैक जो है वो अभी आपको निकाल के दिखाने वाला हूँ पीसीबी बोर्ड से, और फिर उसमें नया लगा कर आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप इसी प्रकार का वीडियो देख कर मोबाइल रिपेयरिंग का काम भी सीख सकते हैं। देख लीजिए, चलिए ऊपर से फिर मारते हैं। देख लीजिए हॉट गन है मेरे पास, इससे काफ़ी ज़्यादा हीट यानी गर्म हवा निकलता है। देख लीजिए गाइस, वो निकल चुका है पीसीबी बोर्ड से आसानी से, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक ज़रूर करना, और क्योंकि हम इसी तरह का ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। और मैं भी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इसका पिन जो है वो जो चार्जिंग जैक जो लगा हुआ है इस फ़ोन पर, उसका एक्चुअली होलसेल रेट कितना रुपया है, जो कि दुकानदार हमसे कितने रुपये लेते हैं, अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आपको क्लीन कर लेना है, यहाँ पर थिनर लगा करके आपको क्लीन कर लेना है। आपका भाई अगर थिनर नहीं है तो पेट्रोल से भी आप यहाँ पर क्लीन कर सकते हैं ब्रश के साथ। ठीक है, तो चलिए मैंने वहाँ पर क्लीन कर लिया हूँ, और क्लीन करने के बाद मैं उसमें फिर नया पिन आप लोगों को लगा कर दिखाने वाला हूँ, जो कि पुराना पिन जो हमारा वो टूट चुका था, ब्रेक हो चुका था, जिस इसी प्रकार वो चार्ज नहीं ले रहा था हमारा फ़ोन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ शोल्डर थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर लेना है, शोल्डर से पॉइंट्स उसका जो फाइव जो कनेक्शन है, पांच कनेक्शन पिन में जो लगा हुआ रहते हैं, वो अच्छी तरीके से आपको शोल्डर कर लेना है उस पर। शोल्डर कर लेने के बाद जो है आपको फिर से उसमें नया पिन लगा लेना है। ठीक है, देख लीजिएगा मैंने यहाँ पर क्लीन कर लिया हूँ, और क्लीन करने के बाद मैं भी आप लोगों को नया पिन लगा के दिखाने वाला हूँ। देख लीजिए पिन जो है मैं इस स्पीकर से निकाल लिया हूँ, और देख लीजिए मैं पिन अच्छी तरीके से दिखाने की जरूर कोशिश करूँगा। देख लीजिए जगह से नया पिन है जो कि मैं भी इसमें लगाने वाला हूँ, सैमसंग B310 में मॉडल नंबर में ए पिन लगता है। ठीक है, तो ए पिन मैं भी इसमें लगाने वाला हूँ, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना गाइस। तो देख लीजिए पिन जो है ये लगाने वाला हूँ, और पिन का प्राइस मात्र 4 रुपये है गाइस, यानी 4 रुपीज़ इसका दाम है, मात्र 4 रुपये प्राइस है। ठीक है, जो कि दुकानदार आपसे 100 या 150 रुपये ले लेते हैं इस पिन को लगाने के लिए। ठीक है, तो शायद आपको मालूम चल गया होगा इसका होलसेल रेट कितना रुपया है, एक पिन का प्राइस कितना है, आपको पता चल गया होगा इस। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करना, और इसी तरह का दाम और प्राइस जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह का ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। मैं एक ना एक सामान कोई सा भी सामान मैं मोबाइल फ़ोन पर लगाता हूँ, तो उसको जो है मैं प्राइस भी आप लोगों को साथ में बता देता हूँ कितना रुपये उसका होलसेल रेट प्राइस है। ठीक है, तो कुछ इसी प्रकार से आपको शोल्डर कर लेना है, वो 5 लेग्स पर मैंने 4 पॉइंट है उसमें, जो उसमें आपको शोल्डर कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, गोल्डन कलर का पॉइंट है जो कि उसमें हम शोल्डर कर लेंगे अच्छी तरीके से, और हम पीसीबी में भुज से लगा लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो मैंने यहाँ पे फास्ट किया हूँ। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा लंबा भी हो गया है, तो रिपेयरिंग बहुत सा लंबा होता है गैस, जो कि मैं 10 मिनट का वीडियो बनाया हूँ। ठीक है, तो देख लीजिए कुछ इसी प्रकार से आपको पोजीशन में रख लेना है पिन को, जैसे सेम जो है वो पिन को हमें रख के नीचे से हीट लगा लेना है, वो पिन जो है ऑटोमेटिक अपने घाट पे जो है वो बैठ जाएगा। ठीक है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इसे लगा सकते हैं अगर आपके पास औजार है, सामान है तो मोबाइल रिपेयरिंग करने का। ठीक है, तो देख लीजिए गाइस वो जैसे इस प्रकार से आपको लगा लेना है। अरे पिन जो हमारा लग चुका है, सॉकेट लग चुका है, तो चलिए हम चेक करके अब देखते हैं कि हमारा पॉइंट्स में जो है वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, हमारा बैटरी कनेक्टर पर 4 वोल्ट या 3.5 वोल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मैं भी आपको मीटर में चेक करके दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देख लीजिए पहले पिन मैं भी इसमें लगाने वाला हूँ, देख लीजिए गाइस ये पिन जो है LG 3500 का जो पिन है 3500, वो मैं भी इसमें लगा के दिखाने वाला हूँ। पिन को मैं इसमें लगा के आप लोगों को वोल्ट नाप के दिखाने वाला हूँ, कितना वोल्ट आ रहा है हमारे बैटरी कनेक्शन यानी बैटरी कनेक्टर पर। ठीक है, तो देख लीजिए ये कुछ इसी प्रकार से आपको ग्राउंड में लगा लेना, हर एक प्लस में लगाना। देख लीजिए गाइस यानी 4 वोल्ट जो है वो इनपुट आउटपुट हो रहा है हमारे बैटरी कनेक्टर पर, समझ लीजिए हमारा पिन जो है सक्सेसफुल हो चुका है, अच्छी तरीके से लग चुका है। तो चलिए बैटरी लगा आपको चेक करके दिखाते हैं चार्ज उठा रहा है या नहीं उठा रहा है गाइस। तो देख लीजिए बैटरी मैंने लगा लिया हूँ, और देख लीजिए
हमारा फ़ोन जो है वो चार्ज भी हो रहा है देख लीजिए, जो कि पहले नहीं हो रहा था इस कनेक्टर की वजह से। कनेक्टर ख़राब हो चुका था जो कि मात्र 4 रुपये का ही कनेक्टर है, उसके वजह से हमारा फ़ोन जो है फालतू में फेंका हुआ था। कोई कस्टमर ने मुझे दिया है ठीक करने के लिए, जो कि मैं उसको ठीक करके भी देने वाला हूँ, और ये ठीक भी हो चुका है जिसका आप देख सकते हैं। और इस तरह का वीडियो आप देख के सीख सकते हैं गाइस, मोबाइल रिपेयरिंग का काम अगर आपको करना पसंद है तो आप इसी तरह का वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह के टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ, क्योंकि मैं और आप लोगों को होलसेल रेट भी आप लोगों को बता देता हूँ उसका प्राइस कितना है होलसेल रेट, ठीक है। तो चलिए मैं मोबाइल को जो फिट कर लेंगे, और करने के बाद फिर मैं चार्ज में लगा एक बार आपको दिखा लेंगे फिर से गाइस। तो चलिए मैंने चार्ज में लगा दिया हूँ, देखते हैं, देख लीजिए चार्ज जो हमारा हो रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना हमारी वीडियो पर। तो चलिए गाइस मिलते हैं तब तक, नेक्स्ट वीडियो में फिर बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी।